ये नजारा कुछ दिन पहले हमने बजट सत्र के दौरान संसद में देखा था। पीएम मोदी बोल रहे थे और विपक्ष वेल में उतरकर मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगा रहा था। जब तक पीएम बोले विपक्ष नारेबाजी करता रहा। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आगाज सोमवार को हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण चल रहा था और सपा विधायक गो बैक के नारे लगा रहे। करीब 1 घंटे 3 मिनट तक राज्यपाल का अभिभाषण चला, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता रुके नहीं। राष्ट्रगान खत्म होते ही सपा और रालोद विधायकों ने वेल में उतरकर नारेबाजी की। उन्होंने तानाशाही नहीं चलेगी और राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए। राज्यपाल ने शोरगुल और नारेबाजी के बीच सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसके सापेक्ष परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है। नमामि गंगे परियोजना, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, राज्य में 11,800 करोड़ लागत की मांग। ये तस्वीरें कहने के लिए काफी हैं कि सदन हो या संसद, विपक्ष सरकार से आर पार के मूड में आ चुका है। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और अगले साल आम चुनाव, जिसके चलते सत्ता और विपक्ष के बीच तल्खी बढ़ गई है। सपा ने महंगाई, बेरोजगारी से लेकर बुलडोजर का मुद्दा उठाया और योगी सरकार को घेरा। एक माँ बेटी जल करके खत्म हो गई और किसके कारण? प्रशासन, शासन और बुलडोजर के कारण। जो माँ बेटी की जान गई है उसका कारण है सरकार, प्रशासन और बुलडोजर। क्या आज के समय पर बुलडोजर चलाएंगे आप? बुलडोजर लेकर के घूम रहे हो और उम्मीद करते हो कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आप बताइए सपने कितने बड़े दिखा रहे हो। विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। संभव है कि बजट सत्र के दौरान ये आगे भी देखने को मिले। एक वो दौर था जब विपक्ष सरकार पर बात नहीं सुनने का आरोप लगाते हुए संसद या सदन से वॉकआउट कर लेता था, लेकिन आज विपक्ष के नेता संसद में जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और वो भी बिना रुके। बजट सत्र के पहले दिन जो कुछ हुआ वो सब ने देखा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे, जिन्होंने बाद में सपा नेताओं को नारेबाजी करने को लेकर नसीहत दे डाली। असहमति हो सकती है, लेकिन सत्ता पक्ष भी कभी किसी मुद्दे से चर्चा से भाग नहीं सकता। अगर वो प्रदेश के हित में है, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन असहमति के कारण हम कार्य को बाधित करें, यह न लोकतंत्र के हित में है और न ही यह प्रदेश के हित में है। 22 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश होगा, जिसके बाद राज्यपाल और बजट पर चर्चा होगी। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश के इस बजट में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की छाप नजर आ सकती है। इन सबके बीच एक बात साफ है कि सड़क से संसद तक आने वाले दिनों में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जुबानी तीर जमकर चलेंगे। इसके सापेक्ष परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है। नमामि गंगे परियोजना, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, राज्य में 11,800 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध करा। सदन शुरू होते ही विपक्ष ने ट्रेलर दिखा दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसे ही शुरुआत हुई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी और आरएलडी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। पूरा भाषण राज्यपाल ने विपक्ष की नारेबाजी और शोरगुल के बीच पड़ा। सत्र के पहले दिन चाचा भतीजा एक सुर में योगी सरकार के खिलाफ हमलावर दिखे। विपक्ष के नारों से पूरी विधानसभा गूंज उठी, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने बड़ा दांव चल दिया है। सपा कौन कौन से मुद्दे बजट सत्र के दौरान उठाएगी वो साफ हो गया।
सदन के अंदर और बाहर हाथों में पोस्टर लेकर समाजवादी पार्टी विधायक नारेबाजी करते दिखे। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव भी हाथ में जातीय जनगणना से जुड़ी तख्ती लेकर राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करते नजर आए। विपक्षी सदस्य राज्यपाल वापस जाओ और तानाशाही की ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी के नारे लगाते दिखे। इसके सापेक्ष अध्यक्ष 9.77 परिवारों को विपक्ष ने वेल में उतरकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया, तो वहीं राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो सीएम योगी समेत सत्ता पक्ष के विधायक स्वागत करते हुए मेज थपथपाते दिखे। विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने रोजगार, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ साथ गैस के दाम के मुद्दों पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की और नारेबाजी की। सपा विधायकों ने अपने हाथों में जातीय जनगणना, बुलडोजर का आतंकवाद और कानून व्यवस्था की तख्तियां पकड़ी और इस मुद्दे को सदन में उठाया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का साल 2023 का ये पहला सत्र है। सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट आगामी 22 फरवरी को विधानसभा में पेश करेगी। 10 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं, जिसकी एक झलक पहले दिन देखने को मिली। सदन में अखिलेश यादव प्रदर्शन करते दिखे तो सदन के बाहर चाचा शिवपाल यादव की अगुवाई में सपा विधायकों ने मोर्चा खोला। सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा के बाहर सपा विधायक मनोज पांडे के साथ दूसरे नेताओं ने प्रदर्शन किया और योगी सरकार पर किसान विरोधी, संविधान विरोधी होने के आरोप लगाए। देखिए किस तरह से हमारे किसानों को मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के पुलिस की जाती है और जाने से रोका जा रहा। ये पहली बार हो रहा। नहीं चलेगी। 2023 भागीदारी के लिए विभिन्न देशों से संपर्क किया गया। चाचा शिवपाल यादव के साथ आते ही यूपी में मुख्य विपक्षी दल अपने रंग में रंगा नजर आया। बजट सत्र में चाचा भतीजे की जोड़ी अपने पुराने अंदाज में एक बार फिर दिखी। दरअसल अखिलेश यादव को चाचा शिवपाल यादव का साथ मिल गया है, जिसके बाद वो फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बजट सत्र के पहले दिन सदन के अंदर दोनों नेताओं ने वेल में पहुंचकर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बजट सत्र की शुरुआत के पहले शिवपाल यादव विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे, जबकि सदन के अंदर अखिलेश यादव का साथ देते दिखे। अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना की तख्ती लेकर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नारेबाजी की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव सदन में आगे हैं और उनके ठीक पीछे चाचा शिवपाल यादव। इससे पहले शिवपाल ने नेता विपक्ष अखिलेश की अनुपस्थिति में सपा विधायक दल की बैठक का नेतृत्व भी किया था। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान एक घंटे से ज्यादा देर तक सपा विधायकों ने गो बैक और तानाशाही नहीं चलेगी की नारे लगाए। हंगामे के चलते जहां स्पीकर सीएम नाराज दिखे, वहीं गवर्नर भी असहज दिखी। खास बात यह है कि वेल में मौजूद होकर अखिलेश यादव खुद अपनी पार्टी और इस नारेबाजी की अगुवाई करते दिखे। बजट सत्र में शिवपाल और अखिलेश की जोड़ी इसलिए भी सुर्खियां बटोर रही है क्योंकि दोनों कई सालों बाद एक साथ एक ही लाइन में आगे बैठे दिखे। अखिलेश यादव के साथ पहली लाइन में पहले बेंच पर चाचा बैठे नजर आए। विधानसभा में इससे पहले शिवपाल यादव की सीट पीछे होती थी। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। शिवपाल यादव बिना समाजवादी टोपी के अखिलेश के दाहिने हाथ की तरफ पीछे बैठे, लेकिन अब पीएसपीएल का सपा में विलय हो गया, जिसके बाद अखिलेश के साथ चाचा शिवपाल यादव आगे बैठे नजर आए। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय में 7 साल बाद शिवपाल यादव पहुंचे थे। साल 2016 में अखिलेश यादव से मनमुटाव के बाद वो सपा दफ्तर तक नहीं गए। साल 2017 में उन्होंने अपनी अलग पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली और लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक लड़े। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद चाचा भतीजे के रिश्तों में आई खटास कम हुई और फिर दोनों साथ आ गए। कई सालों बाद चाचा भतीजे पुराने अंदाज में दिखे, जिसने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी। अराउंड 15,000 डेलीगेट्स आई बीन इनवाइटेड फॉर दिस प्लेनरी सेशन।
कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन यानी AICC प्लेनरी सेशन में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों के मोर्चे का ऐलान किया जाएगा या फिर इस पर सहमति बन पाएगी। क्या AICC की बैठक में कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच समझौते या तालमेल पर कोई सहमति बनेगी? छत्तीसगढ़ के रायपुर में AICC प्लेनरी सेशन के पहले ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि इसी साल के अंत में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव 2024 होंगे। इन चुनावों के पहले बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस और दूसरे दलों के बीच तालमेल या मोर्चे की बात उठ सकती है। विपक्षी दलों की एकता और एकजुटता की बात तो चल रही है, लेकिन क्या यह बातचीत किसी ठोस और व्यवहारिक नतीजे में तब्दील होगी? लोगों की दिलचस्पी इसमें है। शुक्रवार को इस बैठक के शुरू होने के पहले एक बड़ी राजनीतिक घटना ये हुई कि कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया कि उसके बगैर किसी विपक्षी एकता की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रवक्ता जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस ने कभी बीजेपी के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया और ना ही करेगी। कांग्रेस को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए विपक्षी एकजुटता जरूरी है और कांग्रेस अपनी भूमिका निभाएगी। रमेश ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि भारत जोड़ो यात्रा का मूल मकसद विपक्षी एकता को मजबूत करना नहीं बल्कि कांग्रेस को मजबूत करना था। इसके जरिए विपक्षी एकता भी मजबूत हुई है, ये अलग मामला है। हम पहचानते हैं कि ऑपोजिशन की एकता जरूरी है, पर मैंने पहले भी कहा है, आपको कई बार कहा है कि विपक्ष की एकता के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाला गया था। विपक्ष की एकता एक परिणाम हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा का, और इस पर विचार होगा प्लीनरी में। क्या रूप लेगा वो हम अभी नहीं कह सकते, पर जो नीतीश कुमार जी ने बयान दिया है हम उसका स्वागत करते हैं कि उन्होंने माना है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर न केवल कांग्रेस पर हुआ है बल्कि भारतीय राजनीति पर भी हुआ है। ये भारतीय राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण उन्होंने स्वीकारा है और हम इसका स्वागत करते हैं। इसके एक दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने कहा था कि यदि सभी दल एकजुट हो जाएं तो लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी 100 से कम सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। जल्दी से जल्दी फैसला हम जो जाके विभिन्न पार्टियों को भी हमने कहा कि भाई अलग अलग मत, तो उन लोग भी बात किया था, कुछ बातें नहीं हुई है। अब तो सब फिर बात करना चाह रहे हैं, तो कृपा करके कहेंगे कि कोई अगर आप लोग इस बार ये सोच लीजिएगा पूरे देश के हित में, तो आपको भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। जयराम रमेश इशारों इशारों में नीतीश कुमार को ये जवाब दे रहे थे कि कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका होगी और वह विपक्षी एकता के लिए अपने हितों पर समझौता नहीं करेगी। कांग्रेस का ये कहना इसलिए भी अहम है कि नीतीश कुमार की मौजूदगी में ही उपमुख्यमंत्री और RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्षी एकता मजबूत करने के लिए कांग्रेस ड्राइविंग सीट यानी केंद्रीय भूमिका क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ दे। जयराम रमेश ने साफ कर दिया कि ऐसा नहीं होने जा रहा है, लेकिन उन्होंने ये साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय स्तर पर गठबंधन करती है और आगे भी कर सकती है, और हम अपनी भूमिका हम अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी के साथ कहीं भी समझौता नहीं किया है। कई विपक्ष की पार्टियां ऐसी आती हैं जो खड़गे जी के मीटिंग में बैठती हैं, पर जो उनका एक्शन होता है वो सत्ता पक्ष के पार्टी के पक्ष में होता है। तो हमारे दो चेहरे नहीं है बीजेपी के संबंध में, हमारा एक ही चेहरा है। हम बीजेपी के विपक्ष में हैं, हम चाहते हैं कि इस अडानी मामले पर JPC हो। कई पार्टियां हमारे साथ रहीं और कहीं नहीं, JPC की मांग उन्होंने स्वीकारा नहीं, उन्होंने कहा नहीं हमें सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी चाहिए। वो भी एक राजनीतिक कदम था ताकि प्रधानमंत्री इससे बच जाए। तो हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कि हमें नेतृत्व करना है, क्योंकि कोई भी विपक्ष की एकता कांग्रेस के बिना असफल होगा।
कांग्रेस महाधिवेशन में लगभग 15,000 कार्यकर्ता और नेता भाग लेंगे। इसमें 1,825 AICC डेलीगेट्स होंगे, उनमें निर्वाचित और को ऑप्टेड सदस्य होंगे। इसके अलावा सभी राज्य प्रमुख, प्रभारी, जिला प्रमुख और दूसरे स्तरों के नेता होंगे। इस प्लेनरी सेशन में अलग अलग बैठक होंगी, जिनमें पार्टी को मजबूत करने की रणनीति, दूसरे दलों से समन्वय, नीति निर्धारण, अगले चुनाव की तैयारियों जैसे विषयों पर बहस होगी और कई प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इन प्रस्तावों को लागू किया जाएगा। 3 साल में होने वाली प्लेनरी सेशन की 85वीं बैठक 24 से 26 फरवरी तक होगी। अराउंड 15,000 डेलीगेट्स आई मीन इनवाइटेड फॉर दिस प्लेनरी सेशन। Elected and co-opted PCC members from the states will be the delegates. Apart from them, all the DCC president of the Indian National Congress in this country will be special delegates. Bharat Yatris who walk from Kanyakumari to Kashmir and national office bearers of the Frontal and departmental will also be the special invitees of this plenary session. That is why altogether it will come around 15,000 people who is going to participate in Raipur Chindan Shivar. इसके साथ ही सवाल ये भी उठता है कि उदयपुर में कांग्रेस चिंतन शिविर पिछले साल हुआ था, उसमें लिए गए निर्णयों का आखिर क्या हुआ और वे लागू किए जाने की किस स्थिति में हैं? उदयपुर में कांग्रेस चिंतन शिविर में लिए गए ज्यादातर फैसले कागजी साबित हुए, उन्हें लागू नहीं किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव और भारत जोड़ो यात्रा दो अहम फैसले थे जिन पर जयपुर बैठक में मुहर लगी थी और उन्हें पूरा कर लिया गया, लेकिन जो काम नहीं हुए उनकी लंबी सूची है। कांग्रेस में अब तक AICC और कार्य समिति यानी CWC के सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ है। कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव नहीं हुए हैं। कांग्रेस से जुड़े संगठनों की भी यही स्थिति है। मजदूर संगठन, छात्र संगठन, युवा संगठन और दूसरे तमाम संगठनों में प्रमुख का चयन आलाकमान करता है, जो अपनी मर्जी से किसी को उस पद पर मनोनीत कर देता है। इन पदों पर चुनाव नहीं होता है, जयपुर बैठक के बाद भी नहीं हुआ है। इसलिए रायपुर में होने वाले AICC प्लेनरी सेशन से ज्यादा अहम ये होगा कि उस बैठक में जो फैसले लिए जाएं उन्हें लागू भी किया जाए, और उसके पहले ये देखना होगा कि उदयपुर चिंतन शिविर में लिए गए निर्णयों को जमीन पर उतारा जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो प्लेनरी सेशन भी मिलने जुलने और तस्वीरें खिंचवाने का मौका बनकर रह जाएगा। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा की वजह से मिले रेस्पॉन्स से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद बजट सत्र के दौरान संसद में दिए अपने भाषण की वजह से भी वो काफी चर्चा में थे। फिलहाल राहुल गांधी छुट्टी मना रहे हैं और कश्मीर के गुलमर्ग में उनकी बस्ती की कई तस्वीरें और वीडियोस वायरल भी हुए हैं। ऐसा ही एक वीडियो रविवार को भी वायरल हुआ था, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी स्नोमोबाइल चलाते हुए नजर आ रहे थे। इस वीडियो में थोड़ी देर प्रियंका स्नोमोबाइल चलाती हैं और फिर राहुल गांधी इसे ड्राइव करते हुए नजर आते हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की फिटनेस की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। एक यूजर ने यहां तक लिख दिया कि पुतिन के बाद पहली बार इतना ऑलराउंडर लीडर देखा है, परफेक्ट फॉर बिकमिंग नेक्स्ट PM। इसके बाद ही राहुल गांधी की फिटनेस पर चर्चा शुरू हो गई। बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी अपनी फिटनेस को लेकर खासे चर्चा में रहते हैं। उनके फिटनेस से जुड़ी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। बता दें, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी 52 साल के राहुल गांधी की फिटनेस की खूब चर्चा हुई थी। राहुल गांधी की तुलना युवा नेताओं से भी की जाती है, इसके पीछे उनकी शानदार फिटनेस ही वजह है।
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रोजाना एवरेज वो 22 से 25 किलोमीटर पैदल चले थे। यात्रा के दौरान ही राहुल ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि कॉलेज के दौरान वो मुक्केबाजी किया करते थे। जब वो फ्लोरिडा में थे तो शौकिया तौर पर स्कूबा डाइविंग भी शुरू की थी। राहुल गांधी गोताखोरी और स्विमिंग दोनों आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा राहुल ने ये भी बताया था कि वो मार्शल आर्ट से लेकर एकीडो में ब्लैक बेल्ट भी हैं और वो बॉक्सिंग भी किया करते थे। कितना काला है, किसने काला किया, उसकी जानकारी के लिए एक ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोब होना चाहिए। अडानी समूह से जुड़ा विवाद बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी के बाद अब उनके भाई विनोद अडानी को लेकर प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि विनोद अडानी विदेश स्थित फर्जी कंपनियों के जरिए अडानी समूह में पैसे डाल रहे हैं और समूह की ही एक कंपनी से दूसरी कंपनी को कर्ज देकर बड़े पैमाने पर घपला कर रहे हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि क्या सेबी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इस मामले की जांच नहीं करनी चाहिए। ओपन अप टू बी ट्रांसपेरेंट टू लिव अप टू इट्स ओन कमिटमेंट्स। प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अभी लाखों करोड़ रुपए जो खा रहे हैं, भाग रहे हैं, इनके लिए वो क्या कर रहे हैं इसका कोई जवाब नहीं। लॉन्ग बॉइस्टरस स्पीचेस इन पार्लियामेंट विल नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर हैज बीन ऑब्वियस misgovernance, there's been acts of omission and commission, collusion, and prima facie, people of India believe that something is on. दाल में कुछ काला है, कितना काला है, किसने काला किया, उसकी जानकारी के लिए एक open, transparent probe होना चाहिए। इसलिए भारत के पार्लियामेंट की अगर एक joint parliamentary committee बनती है, उसके बनने से दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। मुझे लगता है कि भारत सरकार को और खासकर बीजेपी को दे मस्ट कम फॉरवर्ड एंड ओपन देमसेल्व्स अप फॉर दिस सॉर्ट ऑफ अ इन्वेस्टिगेशन। इसके साथ ही सवाल उठता है कि आखिर विनोद अडानी पर फोर्ब्स की रिपोर्ट में क्या है और इस पर बवाल क्यों मचा है। फोर्ब्स वो पत्रिका है जिसने अरबपतियों की सूची जारी की थी और उसमें गौतम अडानी को दुनिया का तीसरा सबसे धनी आदमी बताया था। उसी फोर्ब्स ने अपने ताजा अंक में गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी पर रिपोर्ट जारी की है। फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि गौतम अडानी ने विदेशों में बनी शेल कंपनियां यानी फर्जी कंपनियों के जरिए अरबों डॉलर निकाल लिए, वहां से भारत की कंपनियों में गैर कानूनी ढंग से पैसे डाले और तमाम जानकारियां सेबी और दूसरी एजेंसियों से छिपा कर रखी। फोर्ब्स के मुताबिक विनोद अडानी ने मॉरिशस, कैमन आइलैंड्स, वर्जिन आइलैंड्स, बहामा, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर जैसे टैक्स हेवन यानी टैक्स बचाने के लिए जिन जगहों पर पैसे रखे जाते हैं उन जगहों पर फर्जी कंपनियां बनाई हैं। इस अमरीकी पत्रिका ने लिखा है कि विनोद अडानी की सिंगापुर में बनी कंपनी पिनेकल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पीटीआई ने रूस की सरकारी बैंक वीटीबी बैंक से 263 मिलियन डॉलर यानी 26.30 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया। उसने उसमें से 258 मिलियन यानी 25.80 करोड़ डॉलर एक अनजान कंपनी को कर्ज में दे दी। पिनेकल इन्वेस्टमेंट ने रूसी बैंक से कर्ज लेने के लिए एफ्रो एशियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट और वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग्स लिमिटेड को गिरवी रख दिया। वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट विनोद अडानी की ही मॉरिसस की कंपनी एक्रोपोलिस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की है। इसमें पेच ये है कि एफ्रो एशियन और वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट के पास अडानी समूह के 4 अरब कीमत के शेयर हैं। ये शेयर अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी इंटरप्राइजेस के हैं। लेकिन ना तो एफ्रो एशियंस ना ही वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट ने कर्ज लेने या गिरवी रखने की जानकारी सेबी को दी है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार विनोद अडानी की एक और कंपनी है वकोदर इन्वेस्टमेंट। ये यूरोपीय देश साइप्रस में बनी है। साइप्रस टैक्स हेवन है यानी टैक्स बचाने के लिए वहां पैसे लगाए जाते हैं। वकोदर इन्वेस्टमेंट ने दुबई की एक कंपनी से 23 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया और उसे अडानी स्टेट्स और अडानी डेवलपर्स की डिवेंचर खरीद लिए। आपको बता दें डिवेंचर एक तरीके का कर्ज होता है जिस पर ब्याज मिलता है और एक निश्चित समय के बाद वो इक्विटी यानी शेयर में तब्दील हो जाता है। इसमें पेच ये है कि दोनों कंपनियां अडानी एंटरप्राइजेस की ही हैं।
एक और पेच ये भी है कि अडानी एंटरप्राइजेज ने 2013 में कहा कि उसने इन कंपनियों को 2012 में ही बेच दिया, लेकिन 2017 में उसे रिलेटेड एंटरप्राइजेज बता दिया। मजे की बात यह है कि ये दोनों कंपनियां अडानी प्रॉपर्टीज की ही हैं और अडानी प्रॉपर्टीज अडानी समूह की कंपनी है, यानी उसे भी बेच दिया गया और वो अडानी कंपनी के पास भी है। सबसे आपत्तिजनक बात यह कि अडानी समूह ने इस लेन देन का खुलासा सेबी के पास नहीं किया है। कांग्रेस ने इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी को घेरा है और प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए हैं, यानी अब गौतम ही नहीं विनोद अडानी के मुद्दे पर भी कांग्रेस प्रधानमंत्री को घेर रही है। गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। पीएम मोदी का ये 6 साल पुराना बयान जो उन्होंने गौ रक्षकों के नाम पर दुकान चलाने वालों पर दिया था फिर से वायरल हो गया है। बता दें, हरियाणा के भिवानी में लोहारू के बारवास गांव के पास एक जली हुई बोलेरो में 16 फरवरी को 2 नर कंकाल मिले थे। मृतकों की पहचान नासिर और जुनैद के तौर पर हुई थी। मामले को लेकर कई तरीके के आरोप परिवार वालों से लेकर राजनीतिक पार्टियों ने लगाए हैं, जिसमें एक आरोप ये भी है कि नासिर और जुनैद की हत्या गौरक्षकों ने की है। हरियाणा में बजरंग दल के गौरक्षा प्रमुख मोनू मानेसर और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगा है। मामले में पुलिस ने मोनू मानेसर समेत 5 लोगों पर मामला दर्ज भी किया है। बजरंग दल से जुड़ा मोनू मानेसर 2 राज्यों की पुलिस का वांटेड भी है। मोनू पर 2 हत्या और 1 हत्या के प्रयास का आरोप पहले भी लग चुका है। मोनू मानेसर पिछले कुछ सालों से गौ तस्करों से मुठभेड़ में मुख्य चेहरे के तौर पर सामने आया है। मोनू के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गौ तस्करों को पकड़ने का दावा करते हुए कई वीडियोज डाले गए हैं। मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल राज्य सरकार पर कई आरोप लगा रहे हैं। साथ ही मोनू मानेसर की कई तस्वीरें भी शेयर की जा रही हैं, जिसमें मोनू रसूखदार लोगों से मिलते हुए नजर आ रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने ट्विटर अकाउंट पर पीएम मोदी का 6 साल पुराना वीडियो शेयर किया, जिसमें पीएम मोदी गौरक्षा के नाम पर दुकान चलाने वालों पर जमकर बरस रहे थे। गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। पुराने जमाने आपने देखा होगा कि बादशाह और राजाओं की लड़ाई होती थी, तो बादशाह क्या करते थे, अपनी लड़ाई की फौज के आगे गाय रखते थे। राजा को परेशानी होती थी कि लड़ाई में अगर हम शस्त्रों का वार करेंगे तो गाय मर जाएगी, तो पाप लगेगा, और इसी उलझन में वो हार जाते थे, और वो भी बड़ी चालाकी से गाय रखते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। बता दें, पीएम मोदी का ये वीडियो 2016 का है, जब पहली बार टाउन हॉल शैली में जनता से रूबरू हुए प्रधानमंत्री मोदी ने गौरक्षा के नाम पर गोरख धंधा करने वालों पर तीखा हमला बोला था। बता दें, भिवानी मामले में नाम आने के बाद मोनू मानेसर ने सामने आकर घटना से अपना पल्ला झाड़ लिया था। मोनू ने अपने बचाव में कई CCTV फुटेज भी जारी किए हैं, जिसमें वो अपने घर और होटल में नजर आ रहा है। कल उन्होंने मेरा धनुष्यबाण छीन लिया, आप खुद प्रभु रामचंद्र मेरे साथ आ गए, आप ही ने दिए हैं। तो ऐसे होता रहता है, संजोग की बात है या पता नहीं इसके पीछे क्या राज है, लेकिन होता है, कभी कभी ऐसी बातें होती है। और मैंने तो कल रस्ते पे उतरकर चुनौती दी है, जिन लोगों ने मेरा पार्टी का नाम और धनुष्यबाण छीन लिया है, उनको मैंने चुनौती दी है कि अगर आप मर्द हो, आप में हिम्मत हो है, तो आप मेरा चुराया हुआ धनुष्यबाण लेकर मेरे सामने आइए, मैं मेरी मशाल लेकर सामने आता हूं, देखेंगे क्या होता है।
एक बात जरूर कि पिछले 25-30 साल से भी ज्यादा हम और आप एक दूसरे के विरोधी थे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी और शिवसेना, उत्तर भारतीय और मराठी नहीं मैं कह रहा हूं, कांग्रेस राष्ट्रवादी और शिवसेना। तो ऐसी कौन सी बात हो गई कि हम तो हिंदुत्ववादी थे, आज भी मैं कहता हूं मैं हिंदू हूं, मैंने हिंदुत्व कभी छोड़ा नहीं है और ना ही छोड़ूंगा। मैंने तो भाजपा को छोड़ा है, हिंदुत्व का नहीं छोड़ा है। भाजपा मतलब हिंदुत्व नहीं है, और उनका जो हिंदुत्व है वो हमारा हिंदुत्व नहीं है, वो हमें मंजूर नहीं है। मैं खुलेआम कहता हूं, जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया वो हिंदुत्व ये नहीं है, और मेरे पिताजी की भाषा में कहे तो राष्ट्रीयत्व है हमसे हिंदुत्व है, हमारा जो हिंदुत्व है वो देश से जुड़ा हुआ है। लेकिन इनका जो हिंदुत्व है वो कैसे है कि आपस में लड़ाई लड़ाओ, आपस में झगड़ा कराओ, परिवार में झगड़ा लगाओ, पार्टी में झगड़ा चालू करो और सत्ता हासिल करो। कल कोई आया था पूना में, कहते हैं, उन्होंने पूछा क्या कैसे चल रहा है महाराष्ट्र में, तो कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है। तो क्यों? तो शिवसेना का नाम और चिन्ह हमने अपने साथ जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया। तो व्यक्ति बोले बहुत अच्छा, मोगैम्बो खुश हुआ। ये मोगैम्बो है, मिस्टर इंडिया अगर आप याद करें तो उसमें यही है ना, मोगैम्बो यही चाहता था कि देश में एक दूसरे के साथ लड़ाई हो जाए, लोग आपस में लड़ते रहे और वो लड़ाई में व्यस्त रहेंगे तो मैं राज करूंगा। यही तो है आज के मोगैम्बो, यही तो है। वो भले हिंदू है, लड़ो, हमारे साथ है, वही हमारे, वो हिंदू हो या कोई हो, कोई उसका उसमें फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे पार्टी में आते हो तो ही हिंदू है, और नहीं है तो आपने हिंदू तो छोड़ दिया। आप मुझे बताओ, मैं तो जैसे आपने कहा इंतजार कर रहा हूं बीके सिंह, कब आप जनसभा करते हो? मुझे तो लोगों के सामने आना है, लोगों के बीच में आना है और पूछना है, बताओ मैंने क्या गलती की है? 2.5 साल मैं मुख्यमंत्री था, कहां मैंने भेद किया है? आपस में लड़ाई कभी मैंने करवाई है? कभी शिवसेना ने आपस में लड़ाई लगाई की है? कभी नहीं। चुनाव आयोग बर्खास्त कर ऐसे छोड़ देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, चुनाव आयोग के भी चुनाव होने चाहिए। जैसे एक न्यायवृंद की हमने बात की, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए जाते हैं उसी तरीके से कुछ एक यंत्रणा होनी चाहिए। मेरी मन की बात कुछ भी मैं करूं नहीं चलेगी, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। जो 15 विधायक है और जो व्हिप की जो बात है उसको लेकर कहीं जो शंका है उसको एक लगनी चाहते हैं, उनका दावा है कि व्हिप लागू होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब से विवाद शुरू हुआ तब चुनाव आयोग ने 2 गुट को मान्यता दी, 2 गुट को अलग अलग नाम दिए गए, अलग अलग चिन्ह दिए गए। और हालांकि जो मैं बात कह रहा हूं कि ऐसे आज तक कभी हुआ नहीं कि जो मूल चिन्ह और जो नाम रहता है वो किसी एक गुट को दिया नहीं गया। जब कांग्रेस में भी विवाद हुआ था इंदिरा जी के समय पर, उस वक्त भी दोनों गुट को अलग अलग नाम दिए गए थे, अलग अलग चिन्ह दिए गए थे। हमारी अपेक्षा यही थी कि जो चिन्ह हमें दिया है उनको जो चिन्ह दिया है, जब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं होता है तब तक चुनाव आयोग अपना निर्णय ना सुनाए। लेकिन अब 2 गुट को उन्होंने मान्यता दी है, हमारा गुट अलग है, उनका अलग है। हमारा नाम और चिन्ह थोड़े दिन के लिए से मैं मानता हूं, हमने तो उसको चुनौती दी है, उनके पास रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उनका व्हिप हम पे चलेगा। हम तो अलग, हम तो जहां थे वही है, घर के बाहर वो गए हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई होने की संभावना अधिक है कानून के अनुसार। जो घटना संविधान में लिखा है उसके अनुसार वो डिस्क्वालीफाई होने की संभावना अधिक है, हमें कोई खतरा नहीं। इलेक्शन कमीशन के निर्णय पर वो देखना महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके ऊपर जैसे मैंने कहा कि चुनाव आयोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन सिंबल के लिए ही उनका अधिकार सीमित है, बाकी प्रॉपर्टी हो या फंड हो उसके ऊपर उनका अधिकार नहीं। अगर वो कोशिश करेंगे तो उनको केस की जाएगी चुनाव आयोग पर। बीएमसी तो अभी है कहां? बीएमसी तो विसर्जित हुई है, और बीएमसी हो या विधानसभा हो, विधानसभा में ठीक है थोड़े दिन के लिए मान सकता हूं जब तक वो निकाल नहीं आता, लेकिन बीएमसी में आज कोई पार्षद है ही नहीं, तो किस आधार पर आप चुनाव के लिए पार्टी के लिए ऑफिस देंगे? संख्या पर दिए जाते हैं ना, संख्या पर दिए जाते हैं। तो आज पार्षद ही नहीं है तो बीएमसी का ऑफिस क्यों दिया जाए उनको? अगर वो भी देंगे तो गुनाह होगा वो, क्योंकि क्या आधार क्या है इनके पास? भले वो कहते हैं कि आज
ठीक है, मैं मानता हूं कि कुछ विधायक और हमारे सांसद उनके पास है, लेकिन आज के वो सांसद और विधायक है कारपोरेटर्स कहां है? तो उनके बाथरूम के आसपास उनको जगह अगर देते हैं ठीक है, क्योंकि उनके पास पार्सल नहीं है, पार्सल ही नहीं है, इसलिए तो ऑफिस सील किए गए हैं, तो सील इनके लिए खोल लेंगे वो। उद्धव सर एक सवाल, मेरे सवाल दो है बेसिकली। पहला सवाल ये है जो हुआ है हाल फिलहाल में चुनाव आयोग का, आप मानते हैं क्या इसको मान लिया जाए कि इमरजेंसी लेते हैं, या आपके 2024 के बाद या जो भी होगा जो भी रिजल्ट आएगा तब आप मानेंगे कि इमरजेंसी के हालात आ गए? पहला सवाल। देखो मुझे अभी पता नहीं, क्योंकि मैं पता नहीं बोल रहा हूँ किस बारे में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं अभी पिछले एक दो घंटे से आपने देखा जब से आया हूँ यहीं पे हूँ, लेकिन मुझे खबर मिली है और आपके माध्यम से शायद दिखाई गई हो तो आप कंफर्म करें कि छत्तीसगढ़ में कुछ ईडी वगैरह की रेड हुई है, उनके मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर भी हुए हैं, तो ये कौन सा प्रजातंत्र है? अच्छा वैसे अगर देखा जाए तो यूएस में उनके प्रेसिडेंट के ऊपर भी रेड पड़ी थी, तो इतनी डेमोक्रेसी क्या आपको मंजूर है? अगर डेमोक्रेसी आप मानते हैं और इसमें डेमोक्रेसी का हिस्सा मानते हैं तो फिर यूएस की डेमोक्रेसी आपको मंजूर है क्या? और नहीं है तो फिर इसको तानाशाही कहना चाहिए क्या? सर पिछले 3 दिनों में आप तमाम अपने कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी लीडर्स जितने भी आपके साथ खड़े हुए हैं, चुनाव चिन्ह जाना, पार्टी का नाम जाना, एक गया नहीं है, एक सुनाया है, एक सेंस आपने फील करने की कोशिश की होगी, एक डैमेज, क्या आपको एक लीडर के तौर पे एक डैमेज होता हुआ यहाँ पर चुनावों को ध्यान में रखकर या अपने जनता के बीच में जाने को लेकर एक हल्का सा एक डर एक जहन में किसी भी तरह का कोई ख्याल इस तरह का आपको अभी तक देखने के लिए मिले? डर तो जरूर हुआ, क्योंकि जिन लोगों को हमने अपना माना, मित्र तो ठीक है वो मित्र तो थे ही नहीं, लेकिन हमने हमारे परिवार के लोगों को जैसे हम संभालते वैसे हमने संभालने की कोशिश की, उन्होंने अपनी जो कहते हैं कि राजनीति में मां शिवसेना उसकी हत्या करे, उसका दर्द जरूर है। हत्यारा कोई और नहीं, वो हमारे घर का ही निकला, वही हमें दर्द है और उसको उसी को सुपारी दी गई उसका। ये जो इन्होंने 80 करोड़ लोगों को इतना गरीब कर दिया है कि उनको 5 किलो चावल मुफ्त में देते हैं, राशन में देते हैं, तो क्या ये खाली मुसलमानों के लिए? ये तो हिंदू है, हिंदू गरीब हो गया है। जैसे मास्टर जी ने कहा 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपए जमा करेंगे अकाउंट में, वो तो हुआ नहीं, बल्कि गरीब इतना गरीब होता गया कि आज उसके पास अपना राशन खरीदने की सकत नहीं है। और इनका मकसद क्या है? जो सही कहा इन्होंने कि ये तो लेबोरेटरी है, जम्मू कश्मीर तो लेबोरेटरी है, यहां से तो टेस्ट होता है, प्रैक्टिकल यहां से ही शुरू हो जाता है, उसके बाद पूरे मुल्क में ये खेल खेलते हैं। मैं जम्मू के लोगों से आज कहना चाहती हूं, अगर आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के पीछे पड़े हैं, आप इस खाब में से, खाबे खरगोश में से बाहर आ जाओ। ये जो आपको बताते हैं कि हम यहां कुछ पता नहीं क्या मुल्क बनाना चाहते हैं, ये कोई राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, ये बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जहां पर जो लोग इनके साथ, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जो इनके साथ रहेगा, इनको वोट देगा, इनको वोट ना भी देगा, बाद में ये खरीदते हैं उसको, वो इनके साथ है, जो इनके खिलाफ होगा उसकी हालत मुसलमानों से भी बदतर की जाएगी। आप दीवार पे लिख के रखो इस वक्त। अगर मेरे हिंदू भाइयों को, बच्चों को ये लगता है कि ये हमारी जमात है, ये आपकी जमात नहीं है, ये बीजेपी की जमात है, ये जनसंघ की जमात है, ये आरएसएस की जमात है, ये गोडसे की जमात है, वो जमात जिन्होंने आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे ये लोग, और आज उस कमी को पूरा करना चाहते हैं ये, आज ये अपना मकाम बनाना चाहते हैं, ताकि जो जो जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमने आजादी तो लड़ी नहीं, हम तो अंग्रेजों के पीछे पीछे चल रहे थे। तो ये क्या जानते हैं जदोजहद करना, ये क्या जानते हैं संघर्ष करना, इनके बस की बात नहीं है। इसलिए मैं आज जम्मू के लोगों को, अपने हिंदू भाइयों को ये पैगाम देना चाहती हूं कि संभल जाओ, जाग जाओ। मुझे बताइए आपकी दुकान जो बैठ गई है रघुनाथ बाजार में, मुझे याद है कश्मीर के लोग बोलते थे मोनालिसा जाएंगे वहां से सामान खरीदेंगे, आज बताइए करोड़ों रुपए का सामान जो है सड़ रहा है जम्मू के बाजारों में, फैक्ट्रीज बाहर से लाएंगे उनको जमीन देंगे, जो यहां के फैक्ट्री वाले हैं
वो तो उनका तो दिवालिया निकल गया, क्या किया इन्होंने उनके लिए। और जो मुलाजिम है वो कहां से आते हैं, चाहे वो डोडा हो चाहे यहां हो। और हम तो कश्मीर वाले कहते हैं हमारी डेमोग्राफी चेंज हो गई, आपकी तो हो गई, जम्मू की तो डेमोग्राफी चेंज हो गई। आप देखिए दाएं बाएं देखिए, फिर देखिए आपको डोगरा कहां नजर आता है, कितने डोगरे आपको फैक्ट्रियों में नजर आते हैं, कितने डोगरे आपको दफ्तरों में नजर आते हैं। मुझे ये बताइए, ये तो बहुत डोगरा डोगरा करते हैं, मुझे बताइए आप हमारा गवर्नर क्यों नहीं है डोगरा, हमारे एडवाइजर क्यों नहीं है, कोई मुसलमानों को छोड़ दीजिए जम्मू का कोई डोगरा एडवाइजर क्यों नहीं है। मुझे बताइए जो हमारी इंपॉर्टेंट पोस्टें हैं, डीजी हो आईजी हो बाकी हो एसपी हो बाकी हो डायरेक्टर हो, उसमें जम्मू के कितने लोग हैं मुझे बताइए। ये मुझे बताइए, ये कौन सा यहाँ पर डोगरा राज कायम करे, जो कहते हैं ना कि हम जी अब डोगरा चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। भाई आपके बस में तो था लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाना, वो तो आपने डोगरा बनाया नहीं जो आपके हाथ में था। अब आप लोगों को बोलते हैं वोट दो फिर हम जम्मू का डोगरा आपको चीफ मिनिस्टर देंगे, फिर क्या कमाल करोगे आप। तो ये बातें तो जम्मू के लोगों को समझनी चाहिए, कश्मीर के लोगों को समझ आ गई है कि भाई हम जम्मू और कश्मीर के लोग जब तक इकट्ठे नहीं चलेंगे। लद्दाख को देखिए, लेह और कारगिल के लोग दिल्ली पहुंच गए, और जब आप दिल्ली में बात करते हो तो उसकी गूंज पूरे मुल्क में घूमती है। मेघालय में होने वाले 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव से पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मॉवेरी के एक बयान ने काफी हलचल मचा दी है, साथ ही उनके बयान ने जैसे चुनावी मुद्दों को ही पलट दिया है, साथ ही इसकी चर्चा अब पूरे देश में होने लगी है। उन्होंने कहा है भगवा पार्टी ने गोमांस खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, मैं बीफ खाता हूं और इसमें कोई समस्या नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही। अर्नेस्ट मॉवेरी ने कहा केंद्र में भाजपा की सत्ता में आने के बाद किसी भी चर्च पर कोई हमला नहीं हुआ, यही नहीं पार्टी बीफ खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है। मेघालय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मॉवेरी ने कहा मैं बीफ खाता हूं और बीजेपी में भी हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे विश्वास है कि मेघालय की जनता इस बार भाजपा के साथ रहने वाली है, 2 मार्च को चुनाव परिणाम से ये सब के सामने आ जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेघालय के लोग जो मुख्य रूप से ईसाई धर्म का पालन करते हैं गौमांस प्रतिबंध सीए और अन्य मुद्दों पर भाजपा को स्वीकार करने के लिए तैयार है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा इस बार के चुनाव में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा इस बार हमने राज्य की सभी 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे ये उम्मीद है। चुनाव परिणाम के बाद हम ऐसी पार्टियों की तलाश कर सकते हैं जिनके हाथ भ्रष्टाचार में नहीं डूबे हों। बता दें मेघालय विधानसभा की 60 सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है। आपको दिव्या मदेना याद है? अरे वही दिव्या मदेना, भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल गांधी के साथ जिसकी तस्वीरों पर विपक्ष ने बवाल मचाया था और दिव्या ने पलटवार कर सबको एकदम से चुप कर दिया था। लेकिन इस बार दिव्या दूसरे कारणों से सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार और उसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत कर दी है। हालांकि उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है, लेकिन उन्होंने जिस तल्खी से ये कहा है और जिस तरह से मुख्यमंत्री का नाम लेकर कहा है वह सिर्फ विरोध नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया, कन्हैया लाल जी ने पुलिस थाने में जिन लोगों से खतरा होना बताया फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अपराधियों के हौसले सरेआम बुलंद है, पुलिस का कोई इकबाल ही नहीं है। ओसिया के विधायक ने ट्वीट कर कहा यह मुख्यमंत्री के गृह निर्वाचन क्षेत्र में डीसीपी पूर्व की ओर से कानून व्यवस्था की पूरी तरह से विफलता है।
जबकि माननीय मुख्यमंत्री जोधपुर वासियों के लिए विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन करने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर शहर में हैं। ये पहला मौका नहीं है जब दिव्या ने मुख्यमंत्री के लिए मुसीबत खड़ी की हो। इसके पहले भी वे मुख्यमंत्री गुट के खिलाफ मुखर हो चुकी हैं। कांग्रेस आलाकमान के कहने पर नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए विधायकों की बैठक के पहले अशोक गहलोत समर्थकों के सामूहिक इस्तीफा और समानांतर बैठक पर ओसिया के इस कांग्रेस विधायक ने तीखा तेवर अपनाया था। जब इस्तीफे के मामले ने तूल पकड़ा और अदालत तक गया तो दिव्या मदेरणा ने ट्वीट कर कहा कि इन विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लेना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि दिव्या मदेरणा इसी बहाने मुख्यमंत्री को निशाने पर ले रही हैं और सचिन पायलट के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। बता दें कि राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री के बीच एक बार फिर ठन गई है। इसके साथ ही एक सवाल ये भी उठता है कि क्या दिव्या के इस विद्रोह के पीछे गांधी परिवार का मूक समर्थन है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिव्या जिस तरह राहुल गांधी के नजदीक आईं और उसके ठीक पहले अशोक गहलोत ने जिस तरह आलाकमान की नाफरमानी की, उसके बाद इस सवाल का उठना लाजमी है। प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तो स्वाभाविक का चेहरा वही है। विक्रम है कि मैं सभी जगह जा रहा हूँ, कांग्रेस के संगठन में कई कमियां हैं, उनको दूर करनी है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये था मेरा कि अभी कमलनाथ जी और शिवराज जी का जो वृक्षारोपण पे चल रहा है, ट्यूट बार चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शिवराज सिंह चौहान जो है नाटक ही ज्यादा करते हैं, एक पेड़ लगाते हैं और 100 पेड़ कटवाते हैं जी। पूरे तरीके से जो कुछ हुआ है यहाँ पर सीहोर में रुद्राक्ष के बंटन में, ये पूरी असफलता प्रशासन की है, प्रदेश सरकार की है, और मैं इसकी निंदा करता हूँ। और जिन लोगों ने व्यवस्था में वे जो फेल हुए हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। ये वीडियो उत्तर प्रदेश में आजम खान के गढ़ माने जाने वाले रामपुर का है, जिन मुस्लिमों के लिए आजम खान ने जीवन भर समाजवाद के नाम पर राजनीति की, अब वे ही उनके खिलाफ हैं। पहले ये वीडियो देखिए। कैसे राष्ट्रीय मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष फरहत अली खान ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के नाम का बापू मॉल में लगा शिलापाट रविवार को तोड़ डाला। इस बारे में पुलिस का क्या कहना है, इसे भी सुन लेते हैं। रामपुर शहर में बापू मॉल एक कॉमर्शियल मॉल है, उसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी द्वारा किया गया था और इस उद्घाटन का एक शिलालेख भी वहाँ पर लगा हुआ है, बापू मॉल में लगा हुआ। तो उस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का नाम था और आजम खान जी का नाम था। आज दोपहर में फरहत अली खान द्वारा हथौड़े से इस शिलालेख को तोड़ दिया गया। ये एक संगठन चलाते हैं फरहत अली खान, और इनके द्वारा एक बाइट भी दी गई मीडिया को कि वो आजम खान से बहुत नाराज हैं और इसलिए उन्होंने ये शिलालेख तोड़ा है। इस संबंध में नगर पालिका के बाबू की तहरीर पर एक मुकदमा थाना कोतवाली पर पंजीकृत कर लिया गया है और शिलालेख तोड़ने वाले फरहत अली खां को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं। एक जमाना था जब रामपुर में आजम खान के नाम की तूती बोलती थी, आजम खान के विरोधियों के लिए रामगढ़ राजनीति का अभेद किला था, लेकिन जब से बीजेपी के आकाश सक्सेना ने आजम खान का रामपुर में किला ढहाया तो इसके बाद समाजवादी पार्टी नेता का रुतबा दिन पर दिन कम होता चला गया और अब तो आम नागरिक भी उनके नाम का जिक्र कम ही करते हैं। जब से एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और सपा नेता फहद अहमद की शादी की खबर सामने आई है, तब से सोशल मीडिया पर बवाल छिड़ गया है। दोनों लव बर्ड्स को लगातार ट्रोल्स का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखने के बावजूद शादी करने की बात कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। इसी बीच स्वरा का एक पुराना ट्वीट भी वायरल हुआ, जिसमें स्वरा भास्कर ने अपने पति फहद अहमद को भाई बुलाया था
और इसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल्स की बारिश होने लगी। स्वरा भास्कर और फहद अहमद दोनों को इस बात के लिए ट्रोल किया गया कि कोई अपने पति को भाई कैसे बुला सकता है। इसी ट्वीट पर ट्रोल कर रहे लोगों को अब फहद अहमद ने मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की है। रविवार के दिन बड़े मजाकिया अंदाज में फहद अहमद ने लिखा, संघियों ने ये तो माना कि हिंदू मुस्लिम भाई बहन हो सकते हैं, बस ये और मान लो कि पति पत्नी मजाक भी कर सकते हैं। फहद अहमद ने अपनी ओर से ये ट्वीट तो कर दिया, लेकिन इसके बाद कुछ लोग और भी भड़क गए। इस ट्वीट पर कमेंट करते हुए कुछ लोगों ने उन पर जमकर निशाना साधा। एक यूजर लिखते हैं, अपनी बहन से कितना मजाक करना है तुमसे नहीं सीखना गुरु, तुम तो मजाक मजाक में शादी कर लिए बहन से। वही एक और यूजर ने लिखा, कभी अपनी सगी बहन से बीवी वाला मजाक मत कर देना। एक और यूजर ने लिखा, हमारे यहाँ मजाक में भी पत्नी भाई नहीं बोलती पति को। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में फहद अहमद से उन मौलानाओं के बयानों पर भी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा जो इस शादी को नाजायज बता रहे हैं। आपको बताते चले, शिकागो में रहने वाले यासिर नदीम नाम के इस्लामिक स्कॉलर ने हाल ही में इस निकाह को नाजायज बताया था। इसके बाद बरेली के मौलाना शाबुद्दीन रिजवी की तरफ से भी ये बयान सामने आया था कि जब तक स्वरा इस्लाम कबूल नहीं करती तब तक इस शादी को जायज नहीं माना जाएगा। हालांकि स्वरा भास्कर और फहद अहमद के ट्वीट्स पर लगातार कुछ लोगों का सपोर्ट भी मिलता नजर आ रहा है। एक यूजर लिखते हैं, संगी कबूल करें या ना करें, इतिहास तो रच दिया है, अपने दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद। एक और यूजर लिखते हैं, फहद भाई संगियों को हिंदू मुस्लिम एकता से भी परहेज है और पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते से भी, आजादी से पहले भी और आज भी ये अपनी एनर्जी गलत दिशा में लगा रहे हैं। गौरतलब है सोशल मीडिया के जरिए 16 फरवरी को स्वरा भास्कर ने अपने और फहद अहमद की शादी के बारे में जानकारी दी। इस दौरान स्वरा भास्कर ने एक स्पेशल वीडियो शेयर किया जिसमें उनकी और फहद अहमद की लव स्टोरी को साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की गई है। बताया जा रहा है कि इस शादी के लिए दोनों ने जरूरी कागजात 6 जनवरी 2023 को ही जमा करा दिए थे। आदिल, देखिए आदिल मिले हैं मुझे अंदर, पर ये सारी तो बात ही नहीं हुई है ना। मैंने यही पूछा, 1.60 लाख आपने कहाँ रखे हैं? राकेश सावंत का केस है, देखेंगे कौन सेट हो रहा कौन नहीं हो रहा। पति आदिल पर तमाम आरोप लगाने के बाद अब राखी सावंत उनसे मिलने के लिए थाने पहुंची। मीडिया से बातचीत करते हुए राखी सावंत ने इस बात का दावा किया कि वो आदिल से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन गई थी, लेकिन वहां आदिल ने उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। राखी ने बताया कि जब वो आदिल से मिलने के लिए हवालात पहुंची तो उन्होंने आदिल से 1.5 करोड़ रुपए के बारे में सवाल किए, जिसके जवाब में आदिल ने कहा, तुमको क्या मतलब। इसके बाद आदिल ने ये कहकर मुंह फेर लिया कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, अब मैं पुलिस को जवाब दूं या तुमको। देखिए आदिल मिले हैं मुझे अंदर, पर ये सारी तो बात ही नहीं हुई है ना। वो तो मैं उनको 2 घंटे 3 घंटे मैं भी पूछना चाह रही हूँ, आपने कार ली क्या? बोलता तुम्हारा कंसर्न नहीं है, ही इज टॉकिंग वेरी रूड वेरी बैड विथ मी, आई विल नेवर फॉरगिव यू, तुमने मुझे अंदर डलवाया, ही इज टॉकिंग वेरी रूड। जाके मिली हूँ मैंने यही पूछा, 1.60 लाख आपने कहाँ रखे हैं? मतलब मैं पुलिस को जवाब दूं कि तुम्हें दूं? He is talking very rude with me. इस दौरान राखी पुलिस पर भी काफी गुस्सा नजर आई। राखी ने कहा कि पुलिस ने अब तक आदिल के दोनों फोन जब्त नहीं किए हैं। उन फोन्स में राखी और दूसरी लड़कियों के प्राइवेट वीडियोस हैं। राखी को डर है कि अगर उन फोन्स को आदिल ने गायब करवा दिया तो उसी के साथ सारे सबूत भी मिट जाएंगे। क्या करूं मैं, क्या मेरे कैदी थोड़ी, मेरे लॉकअप में थोड़ी, वो तो उसी वाले लॉकअप में है ना। पहले तो उन्होंने बोला था ना कि 4 महीना मुझे टाइम दो, मैं जितना भी है मैंने यूज़। 1 साल हो गया उसका, वो वीडियो बहुत पुराने हैं जो आपने देखा, 4 महीने वाले वो वीडियो 6 महीने पुराने हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं। अभी भी मेरे पास खजाना आया है ऑडियो वीडियो का, लेकिन मैं डाल नहीं रही हूँ। मुझे काम करना है, मैं कोर्ट कचहरी इन सब चीज़ के चक्कर नहीं काट सकती हूँ। आप समझ रहे हो, तो जितना जल्दी रिकवर हो जाएगा उतना बेटर। अभी ये 4 दिन दिए हैं,
हाँ, कल पूरे होने वाले हैं। हाँ, कल पूरे होने वाले हैं। क्या करने के? फोन गायब हो गया, फोन को तोड़ के फेंक दिया। मेमोरी गायब हो गई तो मैं क्या करूँगी बताइए? सारे सबूत आदिल ने मिटा दिए तो मैं क्या करूँगी? इस दौरान राखी से ये भी सवाल किया गया कि क्या उनके पास आदिल की फैमिली का कॉल आया। इस पर राखी ने कहा कि पेरेंट्स को भी पता है कि उनका बेटा कितना बड़ा सेटिंग बाज है, वह छूट जाएगा, लेकिन मैं भी देखती हूँ कि वो कैसे छूटता है। ये राखी सावंत का केस है, मैं उसका पूरा चिट्ठा खोलूंगी, मैं शांत नहीं बैठूंगी। डैडी को, उनके डैडी को बुलाया जाए मुंबई। उनके हाथ में है फोन, बहुत परेशान, जितनी सेटिंग करनी कर लो। राखी सावंत का केस है, देखेंगे कौन सेट हो रहा कौन नहीं हो रहा। मैं भी मीडिया के सामने सारा चट्टा बट्टा खोलूंगी, लाऊंगी, शांत बैठने वालों में से नहीं हूँ मैं भी। गौरतलब है कि बीते दिनों राखी ने अपने पति आदिल पर मारपीट और पैसों की हेरा फेरी करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने 7 फरवरी को आदिल को हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक आदिल को 20 फरवरी तक पुलिस की कस्टडी में भेजा गया है। इस कस्टडी के दौरान क्या पुलिस आदिल के खिलाफ सबूत जुटा पाएगी या फिर आदिल को रिहा कर दिया जाएगा, इस चीज को लेकर राखी के फैंस बड़े बेताब हैं। आपको बताते चलें कि कुछ ही महीनों पहले राखी सावंत ने आदिल के साथ अपनी शादी का अनाउंसमेंट किया था, जिसके बाद राखी ने आरोप लगाए थे कि आदिल का अफेयर तनु नाम की एक्ट्रेस के साथ चल रहा है। राखी और आदिल के बीच का ये मामला कभी सुलझता तो कभी उलझता नजर आया, और आखिरकार मीडिया से बातचीत करते हुए राखी ने कहा कि वो आदिल को कभी भी माफ नहीं करेंगी। इसके बाद राखी सावंत ने आदिल पर मारपीट का आरोप लगाया और उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी, जिसके कुछ समय बाद राखी सावंत ने आदिल पर पैसों की हेरा फेरी का भी आरोप लगाया। मामला कोर्ट में जा पहुंचा है। राखी के साथ उनके फैंस को भी इस केस में फैसले का बेसब्री से इंतजार है। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट हम देते रहेंगे आपको, आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। एक के बाद एक धुआंधार शॉट्स लगाने वाली इस लड़की का नाम है रेणुका। रेणुका महज 11 साल की है और 5वीं कक्षा में पढ़ती है। अपनी शानदार बैटिंग से गांव वालों को खुश करने वाली रेणुका अब देश भर में जानी जा रही है। हाल ही में रेणुका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रेणुका एक के बाद एक कैसे शानदार शॉट्स लगा रही है। इस वायरल वीडियो को देखकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी उसे प्रोत्साहित करते हुए क्रिकेट का पूरा किट भिजवाया है। आइए अब आपको बताते हैं इस 11 साल की धुआंधार खिलाड़ी के बारे में। रेणुका पारगी प्रतापगढ़ जिले के धरियाबाद इलाके की पीपलिया पंचायत के रामेर तालाब गांव की रहने वाली है। रेणुका रामेर तालाब गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय की 5वीं कक्षा में पढ़ती है। रेणुका के घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं है। रेणुका एक मजदूर दंपत्ति की बेटी है जो कि पिछले 10 साल से गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं। रेणुका और उसका भाई गांव में अपनी 80 वर्षीय दादी के साथ एक झोपड़ी में रहते हैं। माता पिता मजदूरी करके जो पैसा भेजते हैं उससे घर का गुजारा बामुश्किल चलता है। ऐसे में रेणुका को घर की जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ती है, जंगल से चाहे लकड़ी लाना हो या फिर घर के छोटे बड़े काम। रेणुका पूरी जवाबदारी से इन सभी कामों को संभालती है। घर की इतनी जिम्मेदारियां होने के बावजूद भी रेणुका का क्रिकेट के लिए पैशन कम नहीं होता। स्कूल के दौरान हाफ टाइम हो या फिर खाली पीरियड, रेणुका क्रिकेट की प्रैक्टिस करना नहीं चूकती। रेणुका के क्रिकेट के प्रति रुझान को देखते हुए स्कूल के शिक्षक ईश्वर आमिलिया खाली समय में उन्हें क्रिकेट की ट्रेनिंग देते हैं। रेणुका की इस धुआंधार परफॉर्मेंस से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर रेणुका का फोटो शेयर किया और उसे शुभकामनाएं भेजी। सतीश पुनिया ने लिखा, मुझे बेहद प्रसन्नता है कि बिंदास शॉट खेल रही प्रतापगढ़ की बेटी रेणुका को भी क्रिकेट किट मिल गया है। बेटियां खेलेंगी और आगे बढ़ेंगी तो समाज और देश का स्वाभिमान बढ़ेगा। बेटी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बताया जा रहा है कि सतीश पुनिया ने रेणुका से मोबाइल पर भी बातचीत की, उसे खेलने के लिए मोटिवेट किया और जयपुर घुमाने का भी आश्वासन दिया। गौरतलब है हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर से 14 वर्षीय मूमल मेहर का भी ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में मूमल सूर्य कुमार स्टाइल में चौके छक्के लगाती हुई नजर आ रही थी। इस वीडियो को देखने के बाद मूमल को केवल राजनीतिक जगत ही नहीं बल्कि खेल जगत के कई दिग्गजों से सराहना मिली थी। स्कूटी पर डिलीवरी बॉय की लाश लेकर जाते 20 साल के युवक का ये वीडियो कर्नाटक का है। आरोपी युवक का नाम हेमंत दत्ता है। उस पर आईफोन के लिए डिलीवरी बॉय की हत्या का आरोप है। हत्या के बाद आरोपी ने 3 दिन तक लाश को अर्शी केरे शहर के घर में छिपाए रखा।
इसके बाद आरोपी लाश को कवर कर 11 फरवरी को अंगकोप्पल रेलवे स्टेशन के इलाके में ले गया। यहां पेट्रोल डालकर लाश जलाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। आरोपी हेमंत दत्ता का पेट्रोल खरीदते हुए एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। मामला कुछ ऐसा है कि आरोपी हेमंत दत्ता मोबाइल खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। इसके लिए आरोपी ने प्लान बनाया। उसने फ्लिपकार्ट से पहले आईफोन ऑर्डर किया। 23 साल का डिलीवरी बॉय 7 फरवरी को जब मोबाइल डिलीवरी करने आरोपी के घर पहुंचा, तो आरोपी ने उससे इंतजार करने को कहा। कुछ देर बाद हेमंत ने उसे घर के अंदर बुलाया और चाकू से हमला कर दिया। डिलीवरी बॉय की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की लाश 11 फरवरी को अरसी केरे शहर के अंगकोप्पल रेलवे स्टेशन के पास से बरामद की है। हत्या के 3 दिन बाद मृतक के भाई मंजू नाइक ने थाने में हेमंत नाइक की लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रविवार को बताया कि आरोपी ने ऑनलाइन सेकेंड हैंड आईफोन ऑर्डर किया था, जिसकी कीमत 46,000 रुपए थी। इस ऑर्डर को पहुंचाने का जिम्मा ई कार्ट के डिलीवरी बॉय हेमंत नाइक को मिला था। हेमंत नाइक फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी ई कार्ट के लिए काम करता था। ऐसे समय जब रूस यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन युद्ध थमने की बजाय और तेज होता जा रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति के यूक्रेन जाने का क्या मतलब है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बगैर पूर्व घोषित कार्यक्रम के यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे तो लोग चौंक गए। दरअसल बाइडेन पोलैंड के राष्ट्रपति अजेंद्र दूदा से मिलने गए थे। वहां से थोड़ी ही दूर पर स्थित यूक्रेन भी चले गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के बाद एक साझा बयान जारी किया गया। ज़ेलेंस्की ने कहा, इस यात्रा के नतीजे दिखेंगे। इस मुलाकात का असर युद्ध के मैदान में होगा। यूक्रेन को अब्राम्स टैंक देने के अमेरिकी फैसले से यूक्रेनी सेना मजबूत हुई है। मेरी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच लंबी रेंज के हथियारों पर भी बातचीत हुई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने आगे कहा, मुझे मालूम है कि यूक्रेन की मदद के लिए काफी अहम पैकेज मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि रूसी आक्रामकता के लिए अब कोई मौका नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से जारी बयान में कहा गया, कीव की मेरी यात्रा यूक्रेन के लोकतंत्र, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति हमारी अटूट अटल प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि करते हैं। साझा बयान में ये संकेत मिलता है कि बाइडेन की यात्रा का मतलब क्या है और इसका विश्व राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। खुद ज़ेलेंस्की ने कहा कि लंबी दूरी की मिसाइल के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी बात हुई है। बता दें कि इससे पहले भी लंबी दूरी की मिसाइल और फाइटर प्लेन की मांग यूक्रेन ने की थी, लेकिन जो बाइडेन ने इससे इनकार कर दिया था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और अगले चुनाव के संभावित रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर चिढ़कर कहा, पहले टैंक मांगा, अब फाइटर प्लेन मांग रहे हैं, तो क्या इसके बाद परमाणु बम मांगेंगे? नेटो सदस्यों के बीच आपसी खींचतान और मतभेद के बाद अमेरिकी दबाव में यूक्रेन को मेन बैटल टैंक देने पर राजी हो गया है। अब अमेरिकी अम्बराज समेत 60 टैंक यूक्रेन के पास होंगे, लेकिन यदि अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल नहीं दी तो मामला बिगड़ सकता है। लंबी दूरी की मिसाइल से रूस के काफी अंदर के सैनिक ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। तब ये नहीं कहा जा सकेगा कि यूक्रेन के आत्मरक्षा के लिए अमेरिका और नाटो मदद कर रहे हैं। इसका एक दूरगामी असर ये होगा कि चीन रूस को हथियार दे सकता है। एक दिन पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ने चीनी राजनयिक वांग यी को बुलाकर कहा था कि चीन ने रूस को हथियार दिए तो इसका नतीजा बेहद बुरा होगा। चीन ने उन्हें याद दिलाया था कि अमेरिका ने सबसे पहले यूक्रेन को हथियार दिया। अब यदि अमेरिका ने लंबी दूरी की मिसाइल या फाइटर प्लेन दे दिया तो चीन को हथियार देने से कोई रोक नहीं सकेगा। यदि ऐसा हुआ तो ये युद्ध और लंबा खींचेगा। ये एक तरीके से तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि कई देश इससे जुड़ जाएंगे। भारत के लिए दिक्कत यह है कि वह रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थता बरत रहा है, लेकिन चीन को रोकने की अमेरिकी कोशिशें भी शामिल हैं। यदि चीन ने रूस को हथियार दिए तो भारत के लिए स्थिति विकट होगी। रूस उसका मित्र देश है, लेकिन चीन से मिल रहे हथियार का समर्थन भारत नहीं कर पाएगा। ये दिक्कत इसलिए भी बढ़ेगी कि अमेरिका को ये ना पसंद होगा